एक सोडा खत्म हो गया, दूसरा ये लस्सी का प्रिपरेशन चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी बस डालना है, सर्विंग बाकी है। हे बॉस व्हाट्सअप, अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास, और आज का वेदर मुझे लग रहा है देख के, मतलब अंदर से देख के मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही होगा। आज इतना तेज़ धूप नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, बाहर ही देख लेता हूँ एक बार। ये देखो बाहर ही देख के लग ही रहा है, देखो आसमान कितना बढ़िया लग रहा है और वेदर भी काफ़ी सही है, धूप बिल्कुल भी उतना तेज़ नहीं है और हवा भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो इसका मेन फील लेने के लिए यहाँ पे बेबी के सारे खिलौने रखे हुए हैं, वो भी खाना बनाने वाला सामान। मेन फील लेने के लिए छत में चलता हूँ, छत में सबसे बेहतर समझ में आएगा, है ना। ये छत आने वाला है, खुल जा सिम, खुलेगा। देखो आसमान देखो कितना बढ़िया लग रहा है, वैसे धूप उतना तेज़ नहीं है लेकिन सूरज का जो भाव है ना वो समझ में आ रहा है। ऊपर देख रहा हूँ तो आंखें बंद हो रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन वो इधर काफ़ी सही है, देख सकते हो आसमान कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त मज़ेदार। और धूप उतना तेज़ नहीं है लेकिन जितना भी ब्राइटनेस होना चाहिए, मतलब जितना भी साफ़ सुथरा आसमान होना चाहिए, वेदर होना चाहिए, उतना है। देखो मैं बाहर आया और धूप तेज़ हो गया, अभी देखो कितना तेज़ हो गया धूप, लेकिन वेदर बेहतर है आज, कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है, उससे पहले दिन थोड़ा सा और बेहतर था, उतना बेहतर आज नहीं है, लेकिन शायद बाद में हो सकता है। हवा काफ़ी मस्त चल रहा है और गर्म हवा नहीं, ठंडा हवा चल रहा है, लेकिन मेरे पैर जो है वो जल रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो मैं रुकूंगा नहीं, नीचे चलता। काफ़ी सही सा माहौल है, धूप बहुत कम हो गया और थोड़ा सा बाहर निकलना है, थोड़ा सा कस्टमर सर्विस पॉइंट जाना है और थोड़ा सा बाज़ार भी जाना है, तो जल्दी निकलते हैं धूप उठ जाने से पहले। देखो धीरे धीरे बातें करते करते धूप उठ रहा है, यहाँ पे देखो पता चल रहा होगा धूप उठ रहा है धीरे धीरे, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि धूप कभी उठ रहा है कभी जा रहा है, कभी उठ रहा है कभी जा रहा है। बेबी को देखो, बेबी घूम रहा है इधर, टाइम पास कर रहा है, लेकिन बेबी को लेकर नहीं जाएंगे हम लोग, निकल जाएंगे साइड। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन बाज़ार चारों तरफ ऑलमोस्ट उठने वाला है, मतलब कुछ कुछ जगह में है, कुछ कुछ जगह में इधर तो मछली का बाज़ार बैठता है, ये सुबह के टाइम पे रहता है, उसके बाद नहीं रहता। यहाँ से हम लोग थोड़ा सामान लेंगे, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सामान लेना है, वहाँ से अंडे भी लेना है, यहाँ पे होलसेल रेट में अंडे मिलता है तो वो सारे लेंगे। फिर ये देखो पेड़ों के पत्ते नहीं हैं, पत्ते झड़ गए सारे, बड़े बड़े पेड़ हैं ये, बहुत पुराने हैं वो भी, फिर लेके चलेंगे क्योंकि धूप थोड़ा सा तेज़ लग रहा है इस टाइम पे, और बाहर निकलने के बाद धूप बहुत तेज़ उठ चुका है और कम ही नहीं हो रहा है। बीच बीच में क्या हो रहा था कि धूप आ रहा था जा रहा था, अभी नहीं हो रहा है, अभी बस धूप आ रहा है तो आ ही रहा है, जा नहीं रहा है। आसमान देखो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ से पूरा खुला सा आसमान है और पेड़ के बीच से तो और भी बेटर लग रहा है। आ चुका है इस कस्टमर सर्विस पॉइंट के पास में, ये देख सकते हो इधर वैसे ही अंधेरा होता है और अभी तो काम चल रहा है, ये जो घर है ना इसके प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, इसीलिए ऊपर भाड़ा बंधा हुआ है, तो इस कारण से और भी ज़्यादा अंधेरा है, देख सकते हो। सुपुदा अंदर काम करवा रहा है, से 6-7 लोग हैं तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला, लेकिन यहाँ पे जब काम होगा ना, ऊपर तक तो काम हो गया लेकिन नीचे वाला जब काम होगा प्लास्टर वाला, तब यहाँ पे पूरा दुकान जो भी है वो बंद करना पड़ेगा, इसलिए शायद अभी नहीं कर रहे, शायद संडे को करेंगे जब छुट्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर भाड़ा बन गया ना फिर लोग जा आ नहीं पाएंगे, तो यही मेन रीज़न है कि काम आधा करके बंद करके रखा गया, ऊपर तक हो गया यहाँ पे बंद करके रखा गया। खैर कोई बात नहीं, वो बाद में धीरे धीरे होगा, नीचे वाला एरिया सही हो रहा है, ऊपर से प्लास्टर गिर गिर के ये वाला एरिया बढ़िया हो रहा है, सुविधा का काम हो जाए फिर हम लोग निकल के घर चलते। घर के पास में फिलहाल आ चुका हूँ गाइस, वेदर तो धूप बहुत तेज़ है लेकिन आसमान जब भी मैं देख रहा हूँ ना आज सुबह से, तो मेरे आँखें आसमान से जा ही नहीं रहा, इतना बढ़िया लग रहा है। देखो क्लाउड्स बादल सारे, ये बकरी यहाँ पे घूम रही है, मेरा काम है अभी घर जाके, मैं और सुबुदा दोनों बनाने वाले लस्सी, उसके साथ एक सोडा वही बनाते हैं। चलो ये देखो पॉन्ड कितना मस्त लग रहा है, एक सोडा ख़त्म हो गया, दूसरा ये लस्सी का प्रिपरेशन चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी बस डालना है, सर्विंग बाकी है। टाइम भी हो रहा है 1:30 बजे के आसपास, बेबी ने नहाया नहीं है, मेरा भी नहाना बाकी है, तो अभी बेबी मैं दोनों ही नहाने चलूँगा, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद। जो अंडे होते हैं ना वही खा रहा है अभी ये, और सेंसेस इनका इतना ज़्यादा बढ़िया होता है, देखो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, अभी खाना खा रहे हैं तब, इसीलिए उधर उधर मुंह करके बैठे हुए हैं और उनको पता है कि मैं हार्म नहीं करने वाला, इसलिए उतना देख नहीं रहे, लेकिन सेंसेस बहुत बेहतर होता है। देखो खाना ख़त्म हो गया, अभी देखो इधर देखने लग जाएंगे थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा और भी गिरा हुआ है ना वो खाने की कोशिश में, मछली के अंडे का जो मतलब बड़ा टाइप का कुछ फ्राई करके मम्मी ने बनाया था वही मस्त खा रहा है, वो कच्चा भी खा लेता है, जब बनाया हुआ होता है वो भी खा लेता है, समझ में आ गया उसको, समझ में आ गया कि कुछ चल रहा है, अभी उसको छोड़ के आता हूँ नीचे, नहीं तो कहीं पे भी घूम के मतलब कहीं पे भी घुस के सो जाता है, खट में चढ़ के बिस्तर पे चढ़ के सो जाएगा आराम से, सो जाएगा तो वो उठेगा नहीं,
आराम से सो जाएगा तो नींद में रहेगा। और ये बहुत आलस है, मतलब बहुत आलसी बिल्ली के लिए, इतना आलसी बिल्ली मैंने देखा नहीं है। वैसे फ्लेक्सिबल बहुत है, फास्ट बहुत है, सब कुछ है, कभी सामने रहेगा कभी पीछे चल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आलस भी है इसके अंदर। 8-10 घंटा 12 घंटा ये सोता रहता है, सो के टाइम पास कर देता, इतना आलस है इसके अंदर। तो इसको नीचे छोड़ के आता हूँ मैं और फिर नहाएंगे। नहाने का टाइम हो चुका है, देखो बाहर काफ़ी बढ़िया तरीके से हवा चल रहा है, यहाँ पता चल रहा होगा, धूप वैसे है लेकिन हवा काफ़ी मस्त चल रहा है। इसको छोड़ के आता हूँ थोड़ी देर पहले ही, मतलब कि नहाने जाने से पहले तक कि कितना बढ़िया वेदर था, हवा भी मस्त चल रहा था, मैंने दिखाया अभी था, लेकिन अभी नहा के मैं आ रहा हूँ, अभी अभी जस्ट निकला हूँ, बाल मेरे अभी तक सूखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा पानी। और इस टाइम पे देखो बाहर वेदर क्या हुआ, देखो धूप आ चुका है, हवा भी नहीं है, हल्का हल्का सा हवा बह रहा है, लेकिन धूप बहुत ठीक ठाक ही है, धूप इतना तेज़ भी नहीं है, लेकिन हवा पूरा बंद हो गया, थोड़ा बहुत हवा होना चाहिए था। और आसमान जो बढ़िया लग रहा था सुबह से, वो आसमान में वो बादल भी नहीं है, वो बादल कहाँ चले गए, इधर उधर चले गए, बारिश होने का कोई नामो निशान है नहीं, पूरे बादल हट गए चारों तरफ से। एक बात वैसे है जो कि हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा उतना देर, हल्का हल्का यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, लेकिन मून जब मैंने बाहर किया ना तो हवा मुझे लगा, महसूस हुआ कि हवा चल रहा है, सच में चल रहा है। चलो बाल बाल सुखा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर थोड़ी बैठते हैं, अभी आज तो मैच है, एलिमिनेटर फाइनल, एलिमिनेटर मैच और सेमी फाइनल भी कह सकते हो, मतलब फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए जो मैच है, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद, और कोलकाता तो फाइनल में ऑब्वियसली है, वो 26 तारीख मैच है वो फाइनल वाला। आज वाला मैच राजस्थान वर्सेस हैदराबाद, कहाँ पे मैच है मुझे पता नहीं है, लेकिन 7:30 बजे से मैच है तो मैच देखेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम है अभी 3:30 से 4:45 टाइम हो, थोड़ी देर बैठ बाल सुखा लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं बाद में देखेंगे। काफ़ी मस्त है वेदर, आसमान देखो इस साइड में कितना बढ़िया लग रहा है। टाइम हो चुका है 6:40 के ऊपर, 40 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है मैच आईपीएल का, मतलब सेकंड क्वालिफायर और एलिमिनेटर, लास्ट एलिमिनेटर भी बोल सकते हो, मतलब सेमीफाइनल भी बोल सकते हो, फाइनल में जाने के लिए जो मैच है वो वाला। तो चलते हैं नीचे, अभी अंधेरा तो बस होने ही वाला है, मतलब हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, हो जाएगा 5 मिनट और, 6:40 हो रहा है, 6:45 के अंदर अंधेरा हो जाता है, तो मैं नीचे चलता हूँ, बेबी नीचे फ़ोन कर रहा है, और उससे पहले मतलब आईपीएल देखने से पहले सूरज सर का वीडियो भी देखना है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए, चलते हैं नीचे। वेदर काफ़ी सही है, हवा वैसे चल नहीं रहा है लेकिन गर्मी भी बहुत कम हो गया। फाइनल टाइम में मैच में जो मज़ा आ रहा है लास्ट 3 ओवर में, कम से कम 50 रन के ऊपर चाहिए, लेकिन काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, बैट्समैन सेट है तो हो भी सकता है, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, 15 के ऊपर स्ट्राइक रेट चाहिए, मतलब रन रेट चाहिए, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी 3 ओवर बाकी है, ध्रुव जुड़ल जब तक टिका हुआ है तब तक हो सकता है, रोमन पावेल भी है साथ में, तो मज़ा आज का वाला मैच देखने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। पहली बैटिंग हैदराबाद का, उसमें बॉलिंग राजस्थान का काफ़ी बढ़िया था, और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ राजस्थान का बैटिंग, पहले बहुत बढ़िया चल रहा था बैटिंग, लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद से जो स्पिनर के हाथों से विकेट गिरा है, सहवाज और अभिषेक शर्मा, आज पहला बॉलिंग पहले भी उनके, उसमें अलग ही मज़ा आया देखने में। आज वाला मैच मतलब सचमुच अगर कोई लास्ट एलिमिनेटर वाला मैच या फिर सेमीफाइनल वाला मैच क्या दो कि बढ़िया हुआ है, तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मैच देखा है, सचमुच सेमीफाइनल वाला एक फील लेके आया है मैच। अभी भी मैच बाकी है, मैं मैच ही देख रहा हूँ, बीच में मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ। ये देखो अंधेरा तो काफ़ी तेज़ है इस टाइम पे, होगा अभी क्योंकि 10:30 के आसपास टाइम है, तो चलो मैं फिलहाल फिर से मैच देखने चलता हूँ। गर्मी अभी थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक ही है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर थोड़ा कम लग रहा है, वो बात नहीं है, मेन बात है कि आज हैदराबाद के भी चांसेस है ज़्यादा थोड़े हैं राजस्थान से, जो भी क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट 26 को KKR के साथ चेपक में मैच है, तो मैं भी मैच देखता हूँ, फिलहाल साइनिंग ओपन मिलता है नेक्स्ट ओवर में।